आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। ये वही बैंक है जिसको कंटिन्यूस हमने कहा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए और इस स्टॉक में एक मैसिव रिटर्न आपको आते हुए दिखने वाला है। आज का वो दिन है जब इस स्टॉक ने 52 वीक के हाई को टच किया और बहुत सारे हेटर्स और जो ऐसे हमेशा कमेंट में कहते थे कि ये स्टॉक 12-15 के आसपास ही कंसोलिडेट करेगा, 15 बेचो, 12 खरीदो, 15 बेचो, आज वो सभी लोग रिग्रेट कर रहे होंगे। ओवरऑल इस स्टॉक का ट्रेंड अभी भी काफी विजिबल है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पिछले वन वीक का रिटर्न मोर देन 10% का रहा है। इस समय देखेंगे तो RSI अभी भी 71 है और जब RSI 80 के ऊपर हो तब थोड़ा अवेयर शॉर्ट टर्म ट्रेडर को रहने की जरूरत होती है। अगर ये स्टॉक 18 के ऊपर सस्टेन करता है तो इजीली इस स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट है 24-26 तक के लेवल्स दिखेंगे। और हमने कहा और आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट मंथ 30+ तक के लेवल्स को अचीव करेगा या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मेरा पर्सनल टारगेट इस स्टॉक में 60-80 तक का है। इजीली यहां से 500% तक के रिटर्न्स को लेकर के ही एग्जिट करना है। अर्ली प्रॉफिट एग्जिट करने की गलती नहीं करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस स्टॉक को नजर से हटा दे और होल्डिंग बनाए रखें। श्योरली ये स्टॉक आपको रिवार्ड करने वाला है।